जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपको बताते चलें कि एक बार फिर से जिला प्रशासन सांबा ने नई गाइडलाइंस, नई रिस्ट्रिक्शन जो वो कोविड कंटेनमेंट को लेकर जारी कर दी हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि कोविड पॉजिटिव केसेज में इजाफा देखा जा रहा है, हालांकि ये मामले इतने तो नहीं बढ़ रहे, लेकिन फिर भी इसमें बढ़ोतरी जो है वो देखी जा रही है, जिसके चलते जिला प्रशासन सांबा ने भी अब दोबारा से कमर कस ली है और कुछ नई जो गाइडलाइंस है वो इम्प्लीमेंट भी की है। और आपको बताते चलें कि पिछले दिनों में भी सांबा में कुछ केसेस जो वो देखे गए थे और उसके चलते भी प्रशासन ने सख्ती करना शुरू कर दी थी, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर यूटी का अपडेट करें या जम्मू संभाग का अपडेट करें तो यहाँ पर भी मामलों में बढ़ोतरी जरूर देखी जा रही है। और कहीं ना कहीं फेस्टिव सीजन को लेकर बात करें तो उसका असर भी देखने को मिला है, और खासतौर पर जो पब्लिक गैदरिंग्स देखी गई हैं या फिर मैरिज फंक्शंस देखे गए हैं उसको लेकर भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि तभी कुछ मामलों में बढ़ोतरी जो वो देखी जा रही है। लेकिन अब जो प्रशासनिक अधिकारियों ने नई गाइडलाइन जारी की हैं ये आपके तक पहुँचाना ज़रूरी है। और मैं आपको बताते चलूँ कि जो नई गाइडलाइन जारी की है उसमें सबसे पहली गाइडलाइन ये कहती है, जो डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी ने एक नया ऑर्डर जारी किया है, कि जितने भी जिला के ऑफिसर्स हैं यानी सरकारी मुलाजिम हैं, ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनकी सैलरी विदहेल्ड कर दी जाएगी अगर वो दोनों डोज जो वैक्सीनेशन उनको नहीं लगी है, यानी अगर वो दोनों डोज से वैक्सीनेटेड नहीं है तो उनकी सैलरी विदहेल्ड कर दी जाएगी। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। मान लीजिए कि अगर किसी ऑफिसर ने, किसी मुलाजिम ने पहली डोज अपनी वैक्सीनेशन की ले ली है और सेकंड डोज लगने में भी वक्त है तो उनकी सैलरी जो वो रिलीज कर दी जाएगी, लेकिन उनको अपना फर्स्ट डोज जो वैक्सीनेशन की लगी होगी उसका सर्टिफिकेट दिखाना होगा। और अगर सेकंड डोज ड्यू हो चुकी है यानी वक्त हो गया है, अभी तक उन्होंने अपनी सेकेंड डोज नहीं ली है, तो उनकी सैलरी विदहेल्ड कर दी जाएगी। ये सरकारी ऑफिशियल्स जो हमारे मुलाजिम हैं उनके लिए ये फरमान जारी कर दिया गया है डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी की तरफ से। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार अगर सरकारी मुलाजिमों की बात करें, ऑफिशियल्स की बात करें, ऑफिसर्स की बात करें, तो इनको अलग अलग अवेयरनेस कैंपेन्स को लेकर भी इनकी ड्यूटीज लगाई जाती हैं, लेकिन अगर हमारे सरकारी मुलाजिम ही इसमें फुली वैक्सीनेटेड नहीं होंगे तो हम किस तरह से कहेंगे कि पब्लिक में मैसेज जो है वो अच्छा जा रहा है। इसलिए सबसे पहले शुरुआत जो है ये नई गाइडलाइंस की सरकारी मुलाजिमों से जो वो की गई है। तो एक बार फिर से आपको बता दूँ कि जितने भी जिला सांबा के सरकारी मुलाजिम हैं, ऑफिसर्स हैं, अगर उनको पहली डोज लग चुकी है और अगर दूसरी लगना अभी बाकी है यानी उसमें अगर वक्त है तो उनकी सैलरी रिलीज हो जाएगी, लेकिन अगर ड्यू हो चुकी है सेकंड डोज, अभी तक उन्होंने सेकंड डोज नहीं ली है, तो उनकी सैलरी विदहेल्ड कर दी जाएगी। ये एक पहली गाइडलाइन जो है वो जिला प्रशासन सांबा की तरफ से जारी की गई है। दूसरी आपको बता दें कि जो पब्लिक डीसी ऑफिस तक जाती है या सरकारी दफ्तरों में अपने कामकाज को लेकर जाते हैं, अपने जो पब्लिक इश्यूज होते हैं उनका, उनको लेकर कोई भी व्यक्ति अगर वहां जाता है तो उनको भी सबसे पहले पब्लिक को लेकर मैं बात करूंगा कि पब्लिक को भी अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट उनको दिखाना होगा, लेकिन फुली वैक्सीनेटेड वो व्यक्ति होना चाहिए तभी आपको एंट्री मिलेगी सरकारी दफ्तरों में। और उसको लेकर भी आपको बता दें कि अगर फर्स्ट डोज आपको वैक्सीनेशन की लग चुकी है और दूसरी ड्यू हो चुकी है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आपको सबसे पहले सेकंड डोज लगवानी होगी, लेकिन अगर सेकंड डोज लगने में टाइम है, अभी ड्यू नहीं है, तो आपको पहली डोज का जो सर्टिफिकेट है वो दिखाना होगा, जो एसएमएस आपको आया होगा मोबाइल पर वो एसएमएस आपको दिखाना होगा, तो तब आपको एंट्री दी जाएगी। ये पब्लिक को लेकर गाइडलाइन है कि पब्लिक जो भी सरकारी दफ्तरों में अपने कामकाज के लिए जाएगी उनको भी अपना सर्टिफिकेट दिखाना होगा, लेकिन फर्स्ट डोज अगर आपको लगी है, सेकंड आपने नहीं लगाई है और सेकंड डोज लगने में अभी आपका वक्त है, तो आपको पहली डोज का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। और अगर ड्यू हो चुकी है सेकंड डोज आपकी, अभी आपने नहीं लगवाई है, तो आपको एंट्री तब मिलेगी जब आप सेकंड डोज लगवा लोगे। उसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो बैंकेट हॉल्स है उसको लेकर भी एक जो गाइडलाइन है वो भी आपको बता दें। सबसे पहले आपको बता दें कि अगर किसी के घर पे फंक्शन है तो फंक्शंस की जो जानकारी है वो आपके कंसर्न जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होंगे या तहसीलदार आपके होंगे कंसर्न, उनको फंक्शन की जानकारी आपने देनी है दो दिन पहले, यानी उनके उनकी नॉलेज में होना चाहिए कि आपके घर पे फंक्शन है, आपने उनको फंक्शन से पहले इन्फॉर्म करना है।
और उसी के साथ साथ बैंकेट हॉल्स का ये है कि कैपेसिटी के अनुसार 25% जो गैदरिंग है वहाँ हॉल में आपको जो है वो करनी है, यानी 25% से ज़्यादा गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। और ओपन स्पेसिस की मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी जो गाइडलाइन है वो ये है कि इसमें लिखा हुआ है प्रेफरेबली इन ओपन स्पेसिस ओनली फॉर डबल वैक्सीनेटेड पर्सन कैरिंग ए वैलिड एंड वेरीफेबल फाइनल सर्टिफिकेट रिपोर्ट ऑफ कोविड 19 वैक्सीनेशन। यानी ओपन स्पेसिस की बात करें तो वहाँ पर आपको जो फाइनल सर्टिफिकेट होगा आपको वैक्सीनेशन का वो आपको दिखाना होगा। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जितने भी सरकारी दफ्तर हैं या प्राइवेट सेक्टर है या इंडस्ट्रियल सेक्टर है आपका या दुकानदार तबका है या लेबरर्स हैं वर्कर्स हैं इन सबको भी अपनी जो सेकंड डोज है वैक्सीनेशन की वो जल्द से जल्द लगवानी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको लेकर भी आपको बता दें कि चाहे वो प्राइवेट सेक्टर को लेकर बात करें या सरकारी सेक्टर को लेकर बात करें या जितना भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है उनके जितने भी हेड हैं उनको इंश्योर करना होगा कि आपके अंडर जितने भी मुलाजिम काम कर रहे हैं उनको सेकेंड डोज जो है वो लगी होनी चाहिए, और अगर नहीं लगी तो उनको लेकर भी आपको उनको अवेयर करना होगा कि जल्द से जल्द अपनी जो सेकेंड डोज है वो लगवा लीजिए, क्योंकि इससे जो इन्फेक्शन फैलने का खतरा वो दोबारा से हो सकता है। तो ये कुछ गाइडलाइंस है, ये आपके तक पहुंचाना ज़रूरी था, इसलिए इन कुछ एक दो तीन ये गाइडलाइन जो जारी की गई है ये इसलिए जारी की गई है ताकि दोबारा से कोविड इन्फेक्शन ना फैले, कोविड को हम पूरी तरह से कंटेन कर पाए। और पहली दो लहरें जो आपने देखी वो काफ़ी घातक साबित हुई हैं, और जिसके चलते कुछ जब रिलैक्सेशन आपको दी गई, जब आपने देखा कि अब थोड़े से हालात जो वो ठीक हुए हैं तो उसके बाद आपने फेस्टिव सीजन भी अच्छे से मनाया, उसके बाद कई मैरिज फंक्शंस भी आपने अटेंड किए, पब्लिक गैदरिंग्स भी यहाँ पर देखी गई चाहे वो पोलिटिकली हो या आम जनता की गैदरिंग्स हो, तो उसमें भी काफ़ी भीड़ भड़का जो वो देखा गया है, मार्केट में भी काफ़ी रश देखा गया है, जिसके चलते कुछ केसेस में जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, उसी के चलते जिला प्रशासन सांबा ने ये अब गाइडलाइंस जारी कर दी हैं जो कि पब्लिक डोमेन में भी आ चुकी हैं, और उसके चलते हमने भी ये आपको जो 3 से 4 पॉइंट्स से जो गाइडलाइंस थी ये हमने आपके तक पहुंचा दी हैं। तो इसलिए आप सभी को ये जितनी भी गाइडलाइंस हैं ये फॉलो करनी होगी ताकि कोविड का खतरा जो है वो दोबारा से ना फैले। और उसके चलते आपको ये भी बता दें कि जो हमारे कोविड कंटेनमेंट जोन्स होते हैं, फिलहाल अभी तो ज़िला सांबा में ऐसा कोई जोन है नहीं, क्योंकि अभी मात्र 2 ही कोविड एक्टिव केसेस जो है वो ज़िला सांबा में है, और अगर मान लीजिए कि दोबारा से कहीं ऐसे जोन बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है तो वहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शंस है वो एज इट इज ही रहेंगी, जो हम आपको पहले भी कई बार अपडेट कर चुके हैं कि जिस वहाँ पर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, वहाँ पर नोडल ऑफिसर्स की तैनाती हो जाती है, वहाँ किसी भी बाहरी व्यक्ति को आने की इजाज़त नहीं होती या वहाँ से कोई बाहर व्यक्ति नहीं जा सकता, तो ये गाइडलाइंस एज इट इज़ ही रहेंगी। लेकिन जो मोटे तौर पर आपको मैंने बता दी कि जो सरकारी मुलाजिम होंगे वो फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए तभी उनकी सैलरी रिलीज होगी, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि अगर आपको पहली डोज लगी है और दूसरी डोज लगने में टाइम है तो आपकी सैलरी रिलीज हो जाएगी, आपको सर्टिफिकेट पहली डोज का दिखाना होगा, और अगर सेकंड डोज पेंडिंग है आपकी ड्यू है तो आपकी सैलरी विदहेल्ड हो जाएगी। और उसी के चलते जो पब्लिक डीसी ऑफिस तक जाना चाहेगी या सरकारी दफ्तरों में अपने कामकाज को लेकर जाना चाहेगी तो उनको भी पहली डोज लगी होनी चाहिए, और जो सेकेंड अगर नहीं लगी है तो आपको अगर उसका वक्त है तो आपको आपका सर्टिफिकेट पहली डोज का दिखाना होगा, अगर सेकंड ड्यू हो चुकी है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप सेकंड डोज नहीं लगवा लेते। और जितना भी मैंने आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर या जितना भी सरकारी सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को लेकर मैंने बात की, दुकानदारों को लेकर जितना भी स्टाफ वहाँ पर काम करता है इस सेक्टर में उनके जो हेड है वो इंश्योर करेंगे कि सेकंड डोज वैक्सीनेशन की लगी होनी चाहिए। तो मैरिज फंक्शंस को लेकर भी एक बार फिर से बता दूं कि अपने कंसर्न्ड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से आपको कांटेक्ट करना है, फंक्शन को लेकर 2 दिन पहले उनको जानकारी देनी है, और बैंकेट हॉल के अंदर जो कैपेसिटी उस हॉल की होगी उसके अनुसार 25% वहाँ पर गैदरिंग होनी चाहिए, और ओपन स्पेसेस में आपको आपका सर्टिफिकेट जो होगा वैक्सीनेशन का फुली वैक्सीनेशन का वो आपको दिखाना होगा। तो ये चंद जो मैं आपको गाइडलाइंस बता रहा हूँ इन गाइडलाइंस को आप फॉलो करिए और अपने काम करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दोबारा से केसेस बढ़ना शुरू हो चुके हैं, तो उसके चलते प्रशासन ने पहले ही ये फरमान जारी कर दिया है, और मुझे लगता है कि आप लोग सब लोग जल्द से जल्द जिनकी सेकेंड डोज पेंडिंग है वैक्सीनेशन की वो लगवा लें ताकि रिस्क कोविड का कम हो पाए, क्योंकि आपने देखा कि जिन्होंने दोनों डोज लगवा ली है काफ़ी हद तक जो इन्फेक्शन है वो कम हुई है, लेकिन अगर नहीं लगी
तो आने वाले दिनों में रिस्क बढ़ जाएगा, दोबारा से इस कोविड को रोकने में काफी हमें मुशक्कत करनी पड़ेगी। तो ये नई गाइडलाइंस जिला प्रशासन सांबा ने जारी कर दी है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।